की पी के नहीं है तो दर्द कहां से होगा? अरे काम अकबर, मतलब ये ऐसे सोया है ना, मतलब ऐसे? और लॉजिकली पीठ में दर्द है तो ऐसे मूड ही नहीं पाएगा ना, तो फिर आप बबूती लगाओगे कैसे? पर अभी तो बाहर गया था, है? गए थे कि नहीं? ओ, तब सर दर्द था ना, तो पीठ दर्द कहाँ था? तो अच्छा ना, खड़े खड़े उसकी पीठ में दर्द हो गया है, पीठ में दर्द हो गया। तो देखिए वो पैसेज है ना, ये जो पैसेज है हमारा, वहां पे जब ये आया ना तो ऐसे ऐसे उछल रहा था, दो तीन बार ऐसे उछलने से ना सरदर्द जो है ना वो ऐसे 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 खिसक के पीठ में ऐसे फैल गया, और वहीं पे अभी चुंबक की तरह चिपक के बैठा है पीठ में। तो पहले सरदर्द था जो अब पीठ दर्द बन गया है, समझिए आप? झूठ ना ही कह रहे, सच कह रहे हैं हम बिल्कुल। हमें लगता है कोनो ना कोनो बात तो है जो आप लोग हमको बताना नहीं चाहते। मासूम से बच्चे के बदन को लेकर कुछ तो है जो आप हमको बताना नहीं चाहते। नहीं राम दुलारी मौसी, अरे का नहीं नहीं राम दुलारी मौसी, पढ़े लिखे हैं हम, हमने माँ किया है और हमने बा भी किया है। माँ मतलब MA, बा मतलब BA, समझे? और एक बात बता दे हम आपको, हम ना फड़ भी कर रहे हैं। PhD फेड़ मतलब PhD, फेड़ PhD। क्या बात बाप पे तुम लोग ऐसे मुंडी घुमा के मुझे देखते हो? हाँ क्या शरद, जब जब क्या ये? सुनिए बसंत भैया जी, हाँ एक पकड़ी भभूति और चटा दीजिए अपने बिटवा को, हम जा रहे हैं। हाँ 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 गुड, हाँ जुड़ निगट, हाँ जा रहे हैं हम, बाय बाय। चलो चलो चलो, वर्षा वर्षा इस गेंडे को तुरंत यहाँ से हटाना होगा, अभी तो ये राम दुलारी आई थी, थोड़ी देर में ओज अंकल राम दुलारा लेकर आएंगे। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत, कहा कहा ऐसा करते हुए, चलो इसे जल्दी स्मगल करके कहीं और ले जाना पड़ेगा। रोनी भैया वो देखिए, इस तरफ जाती हुई सुरंग कितनी सफाई से खोदी गई, चलो सीढ़ी भी ले लो, शायद इसकी जरूरत पड़े। अबे रुक जाओ, मैं अभी ऊपर हूँ, चलो जल्दी। धरुन धरुन ठेव, कैसे लोग हो, ऊपर से गिरता तो पक्का मरता। अच्छा अच्छा आप घूरिए मत, हम अपना गाना सुना ही देते हैं, गेरुआ वाला जो हम लिखे हैं। वो दिलवाले फिल्म वाला गाना तुमने लिखा? हाँ हम ही लिखे थे, वो क्या एक दिन बाद दिलवाले फिल्म में आ गया ना, हमारा वर्जन रह गया, अभी B2 में डाले। हाँ सुनिए, हमरी खटिया का टूटा पहिया, हमरी जोरू बोली हाय दैया हाय दैया, वो बोली हम दोनों कैसे इस पे लेटेंगे, हम बोले जमीन पे गद्दा डाल दे। तो आगे बस खत्म। वो दिल वाले का गाना गेरुआ और ये सेम टू सेम है? हाँ बिल्कुल। ये भाई रामबाण, इसमें गेरुआ क्या था? खटिया, जिसका पहिया टूट गया था ना वो गेरुआ रंग का था। ये सरासर गलत है, ऐसे तो एक गाना मैंने भी लिखा है, अभी सुनाता हूँ, सेम सेम हम दिल दे चुके सनम जैसा बोल हैं। ओ इंस्पेक्टर साहब गलत तो ये है, ये यहाँ चलो 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 सीढ़ी सीढ़ी आओ भैया राम पर चलो। अभी भैया सो गई है, ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा है भैया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना। अरे मेरा इशारा तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा आप पूछ रहे थे वो सो गई कि नहीं, ऐसा?
हाँ सो गई वो, ये हॉल की आधी लाइट ऑन है ना तो ऐसे ऐसे आधा इशारा दिखाई दिया है? ऐसे तुम मैंने बहस मत करो, हमें हमेशा तुम ऐसा करती हो। हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। हेलो घोटाला के घर चलो। भैया भाभी आप लोग बाद में बहस कर लेना आराम से, अभी जल्दी चलिए निकलिए यहाँ से भैया। वो लोग इसी तरफ आ रहे, देखिए रोनी अंकल के घर से। घोटालों का घर इस तरफ है। पापा जल्दी जाइए यहाँ से। चलिए पापा। यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से पीछे वाले रास्ते से, इस वाली खिड़की से। चल चल चल। गुड मॉर्निंग। अरे मानव ये देखो, ये सुरंग बकायदा यहाँ से ऊपर जाती हुई या फिर ऊपर से रॉनी भैया के घर तक पहुंचने के लिए खोदी। उठाओ। आराम से बेटा। अरे हाँ भैया। और ये देखिए ऊपर बंद किए जाने के निशान। ओ तेरी, ओए मिट्टी भी कच्ची है, लगता है किसी ने ताजी ताजी सुरंग खोदी है। एक मिनट, ये खुलती कहाँ पे है? सोच पत्रे सोच, हम लोग रोनी के घर से रेंगते रेंगते आगे बढ़े, फिर हम लोग नीचे उतरे, नीचे उतर के उन्हें लैप मारा, सीधा बढ़े तो रोनी के घर से लैप मार के सामने के है, के है घोटाला, घोटाला हाउस वाला। इसका मतलब घोटाला नहीं, सुरंग खोदा। क्या था ये, क्या कर रही थी ये अंग्रेजी की दुश्मन? भैया लॉजिकली वो इंसान नींद में चलते हैं ना, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। दया क्या है? चरक चाचा इन्हीं से पूछ लेते हैं ना, राम दुलारी मौसी। चुप 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 रह तू गेंडे, चल चल जल्दी चल चल जल्दी चल। ऊपर जा रही है, इसको ऊपर ही सुला दो और ऊपर वाले कमरे को बाहर से लॉक कर दो ताकि फिर से नीचे ना आए वो। जाओ जल्दी जाओ जल्दी जल्दी, वो लोग आ गए। पापा जाइए जल्दी जाइए। लेकिन पापा हम कहाँ जाएंगे? लॉजिकली ओझा अंकल के घर में कोई नहीं है, आप दोनों वहाँ छुप जाइए। सुबह तक होपफुली ये आधा अधूरा हेमंत पूरा नजर आने लगेगा। हाँ शरद चाचा मैं जरूर पूरा दिखूंगा। कहाँ बाबा? संभाल लेना जल्दी। क्या सन्नाटा है, जैसे पहली बार मुरली भाई को देख के सदमे के मारे लाजो बन के चेहरे पे था ना।
वैसा सन्नाटा है। ओ चंद्रभान चुप कर तू। थैंक यू। अरे जैसे थारी जबान का खीमा बना के बिल्ली को खिला दू ना तो कैसे चुप हो जाएगा तू? वैसा सन्नाटा है ये झालर। चकुड़ी तू तो सोचना भी मत, गलत कनेक्शन है, फोन रख दे। तो बराबर अब सिर्फ रॉनी इनकी परेड लेगा। रॉनी पूछ इनसे कि कहाँ है घोटाला भाई। हाँ और ये भी पूछ वाला कि इनका असली काम चोरी चपटी है या डकैती। पूछ पूछ वाला पूछ। और इतना ही नहीं, इन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया है वो भी आप इनसे पूछे रॉनी भैया। अब समझ में आया एलियन कॉस्ट्यूम वाली थीम का आइडिया क्यों दिया था घोटाला भाई ने? ताकि घोटाला भाई के दो साथीदार एलियन का भेस डालकर यहाँ आए और पूरी कॉलोनी सफा चट कर दे। अरे तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, पूछ इनसे। अरे ये लोग कोई जवाब नहीं दे पाएंगे क्या बा? हाँ बाबा। मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे को चांस ही नहीं देता मैन। देखो मैं स्वीटी सिंह मेरे साथ क्या हो रहा है मैन। रॉनी मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ, मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। तुझे कम से कम मुंह तो खोलने देते हैं, मुझे तो मुंह भी नहीं खोलने देते। अरे तुम तो इंस्पेक्टर है लेकिन मैं तो काम का आदमी है, इनका पड़ोसी है, लेकिन देखो ये लोग कैसे मेरे साथ कैसे करता। एलियन थीम की पार्टी के बहाने उन दोनों बहरूपियों को हमारे घर 100% मिस्टर घोटाला नहीं भेजा होगा, है ना? तुम्हारे घर में चोरी हुई इसमें हमारा हाथ है, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? बोलो। और अगर लगता है तो लॉजिकली हमारे घर की तलाशी ले लो, कोई चांदी के बर्तन नहीं मिलेंगे। अब कहां से मिलेगा बेटा? चांदी के बर्तन लेकर सरक सरक गए तुरंत तुम्हारे भैया बसंत और उनके बेटे हेमंत। बाबा, वंस मोर वंस मोर। जरूर जरूर। चांदी के बर्तन लेकर सड़क सड़क गए तुरंत तुम्हारे भैया बसंत उनके बेटे हेमंत। क्या बात है, क्या बात है। अरे ओ तुम क्या जरूर जरूर कर रहे हो? और चकुड़ी यहाँ इतना सीरियस मामला है और तू ये चंद्रभान की फालतू कविता पे क्या वाह 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 वंस मोर कर रही है? थैंक यू। एक काम कर, सबके लिए फ्रेश फ्रूट का जूस बनाकर लेकर आ जा। तो बराबर। आंटी भावना फ्रेश फ्रूट जूस अभी? बिजी रहेगी इन भाई। वो तो है। और आंटी भावना अंकल चंद्रभान की कविता फालतू नहीं है। थैंक यू। बोलो। थैंक यू भी बोलते हैं। चांदी के बर्तन से एक कटोरा गिरा चीटी पे। ओ स्वीटी इसका कुछ करना। मुरली भैया भड़क गए बिना वजह स्वीटी पे। वाह 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 अद्भुत अद्भुत, अभी लिखे ताजा है फ्रेश। भस्म कर दे ना, सेम मजा आएगा। शरद वर्षा भाभी आप प्लीज मुझे बताएंगे कि मिस्टर घोटाला और हेमंत कहाँ हैं? वो हेमंत को सर दर्द था ना तो भैया उसे डॉक्टर के पास लेके गए। क्या बिंदास झूठ बोलता है ये मैन। अरे रात को 2:30 बजे कौन सा डॉक्टर का जल्दी बोलने भाई। अरे एक मिनट मैन, Eat this medicine को गुजराती में कैसे बोलेगा? दवा खाने भाई, दवा खाने। हाँ, रात के 2:30 बजे कौन से डॉक्टर के दवा खाने लेके गया है? इंस्पेक्टर स्वीटी सिंह। यस यस बोलिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें मिस्टर घोटाला के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवानी है। एक्सक्यूज मी है ना, मेरे भैया पे इल्जाम लगाने से पहले कोई सबूत तो दो, जिसके बल पे तुम ये। तुम्हारा भाई घर से गायब है और तुम्हारे घर से मेरे घर तक आती हुई ये सुरंग, और क्या सबूत चाहिए तुमको मैन? देखा
देखा बात देखा कैसे होश उड़ गए, देखा सुरंग सुनते ही। जय चंद, तुम क्यों उदास हो भाई? हाँ, हम इन पे बरस रहे इसलिए। एक मिनट ना, आजा उजैन चंद, आजा आजा। अब नहीं करेगा तो इनकी तरफदारी है, नहीं बोलेगा कुछ, बोल। शरद, वर्षा भाभी, मैं भी साक्षी हूं इस बात का, जो सुरंग रॉनी भैया के घर पे खुलती है वो यहाँ आपके घर आकर खत्म होती। और तुम तो लॉजिकल हो ना शरद, तो क्या लॉजिक सही नहीं बैठता है कि मिस्टर घोटाला ने इस सुरंग से आते हुए हमारे घर से चांदी। ये सुरंग तो रॉनी भैया ने भी खो दी हो सकती है, हमारे घर में घुसने के लिए आना। ओ शरद, क्या बोलते हैं मैं, तुम क्या झपते जैसे फेंका हुआ समोसा देख के भूखा भिखारी झपटता हो। ए चंद्रमान, रॉनी, मैं सीधा तुमको शरद पे फेंकूंगा अभी। छोड़ यार। शरद, तुम रॉनी भैया पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? है ना ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे भैया पे लगाया। मानव, मानव तुम ही बताओ, ये सुरंग क्या मुमकिन नहीं है कि रॉनी भैया ने अपने घर से हमारे घर तक पहुंचने के लिए खोदी हो? लेकिन चोरी इनके घर पे हुई है गन चक्कर। और अगर तुम्हारे घर से कुछ गायब है तो सिर्फ दो चोर, श्री श्री वसंत घोटाला और उनका सुपुत्र हेमंत घोटाला। बस आप भद्रेश भैया प्लीज। अरे कॉलोनी में कोई भी गड़बड़ हो तो हमें क्यों जिम्मेदार ठहराने चले आते आप लोग? शरद, 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 शांति से बात करो। अरे नहीं भाभी नहीं, शांति से बात करते ना उसी का नतीजा है ये। माना कि भैया और हेमंत का इस वक्त यहाँ ना होना शक पैदा कर सकता है, लेकिन लेकिन लीजा भाभी भी तो बिना बताए 15 दिन से अपने घर से गायब है। तो हम तो मोर्चा लेके नहीं गए ना कि कहाँ गई है वो? क्यों रॉनी भैया? ए शरद, तू बोल क्या रहा है? शरद, तुमने लीजा भाभी पे शक किया? क्यों, तू मेरी मौजूदगी में मेरी भाभी पे शक करके सवाल कर सकती हो, और यही बात अगर मैं करूं तो गलत? है ना, शरद की बात बिल्कुल सही है। ओ जेंट्स एंड, क्या सही है? माना कि लीजा घर पे नहीं है, लेकिन इनके घर से कुछ गायब भी तो नहीं हुआ है? है। क्या? वर्षा भाभी के 4 सोने के महंगे वाले सेट घर में नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है रॉनी भैया कि वो आपके घर में For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.